गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैफ हिमाचल पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग आज यानी कि 6 फरवरी को आए हुए इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से कौन कौन सी न्यूज़ रेलेवेंट है, कौन कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड की। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा रिजाइन कर दिया गया था और उसके बाद चंपाई सोरेन जो है उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा अपना लीडर डिक्लेयर किया गया था। तो अभी जो चंपाई सोरेन जो झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने थे उन्होंने जो ट्रस्ट वोट है या जिसको हम लोग कॉन्फिडेंस मोशन के नाम से भी जानते हैं वो जीत लिया है और टोटल 81 असेंबली के अंदर सीट्स हैं जिनमें से 47 वोट्स जो हैं वो चंपाई सोरेन की सरकार के फेवर में गए हैं। और जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों को 50% से ज़्यादा का नंबर चाहिए होता है, तो यहाँ पे 41 जो है वो मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, इनके पास मिनिमम सपोर्ट होनी चाहिए थी, तो वो स्ट्रेंथ जो है वो 47 की है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं और उसके साथ साथ झारखंड की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें हम लोगों को कितने नंबर ऑफ सीट्स देखने को मिलती है। क्लियर, यहाँ पे मेंस परस्पेक्टिव से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट फैक्ट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर हम लोग सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे ईडी की पावर जो है उसको यहाँ पे एक कंटेक्स्ट के रूप में यूज़ किया जा सकता है। दूसरी न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। दूसरी न्यूज़ बेसिकली ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड है जहाँ पे 5 हिंदुस्तानियों को जो है वो ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। तो बेसिकली यहाँ पे 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो अलग अलग अवार्ड्स हम लोगों को देखने को मिले। तो बेसिकली आप लोग इन सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो देखिए यहाँ पे पूरे जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है, जहाँ पे जो फॉरेन सिंगर्स हैं या हमारे देश के बाहर के सिंगर्स हैं उनको जो ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं उनका भी जिक्र है और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ इंडियन या हिंदुस्तानी इन्वॉल्व हैं उनका भी जिक्र है, जहाँ पे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की बात है, बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम की बात है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की बात है। तो आप लोग प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इस स्पेसिफिक न्यूज़ को एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, स्नो लेपर्ड से रिलेटेड एक न्यूज़ है और ये न्यूज़ हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में और इन जनरल नेशनल कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग स्नो लेपर्ड की बात करें तो स्नो लेपर्ड जो है वो हम लोगों को लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। स्नो लेपर्ड की यहाँ पे पूरे का पूरा टेबल दिया गया है कि किस किस जगह के ऊपर जो है हम लोगों को कितना एस्टिमेटेड नंबर है। तो हिमाचल का नंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसके अलावा बाकी राज्यों का नंबर भी देख सकते हो। टोटल नंबर जो है वो 718 है। क्लियर, और यहाँ पे पूरे का पूरा स्नो लेपर्ड जो हम लोगों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है, तो इंडिया में भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक पैराग्राफ जो राइट साइड पे आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे प्रॉपरली बताया गया है कि कितना स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस है स्नो लेपर्ड की प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में। तो काफी अच्छा आर्टिकल है, आप लोग वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड इस स्पेसिफिक आर्टिकल को जो एक बार पिक कर सकते हो। तो हिमाचल स्पेसिफिक और उसके साथ साथ इन जनरल जो हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है उससे संबंधित भी आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट, काफी रेलेवेंट है। प्रीलिम्स में डाटा के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है और मेंस में इस स्पेसिफिक जो स्पीसीज है इसकी प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन प्रोटेक्शन में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये आप इसको जरूर एक बार रीड करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में है, HPASGS 3 में रेलेवेंट है, यहाँ पे हमारा टॉपिक है अप्रेजल ऑफ एजुकेशन। तो बेसिकली यहाँ पे एनरोलमेंट रेशियो जो है उसकी बात की गई है। तो अगर आप लोग इसको देखोगे तो यहाँ पे जो दो तरह के डाटा जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, एक जो है वो बेसिकली GER का डाटा है, दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, एंड सेकेंड जो है वो आपका जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, दैट इज GPI है। तो यहाँ पे बेसिकली हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में, हिमाचल प्रदेश को हमारे देश के जो बाकी राज्य हैं उनके साथ कंपेयर किया गया है। क्लियर, तो अगर आप लोग प्रॉपरली जो है वो इसको एक बार रीड करोगे, एक बार इसको असेस करोगे तो यहाँ पे इस टेबल को जब आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो जब भी हम लोग जेंडर एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट या इन जनरल एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देख सकते हो, जहाँ पे अगर हम लोग यूनियन टेरिटरीज को एक्सक्लूड करते तो पहले नंबर पे तमिलनाडु है जहाँ पे GER 47 है, तो दूसरे नंबर पे जो हिमाचल प्रदेश है जहाँ पे GER आप लोगों को 43.1% जो देखने को मिल रही है। क्लियर, तो इस तरह से सेकंड जो है हम लोग GPI की बात करेंगे। GPI जो है वो बेसिकली जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, यानी कि अगर एक लड़का स्कूल में हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है तो उसके मुकाबले लड़कियां कितनी हैं। तो मान लीजिए अगर ये ज्यादा होगा, जैसे हिमाचल प्रदेश में 2021-22 का जब डाटा आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो 2021-22 में आप लोग देख रहे हो 1.33 है, तो 1.33 का मतलब सीधा सीधा है कि अगर एक बॉय है, एक लड़का जा रहा है तो 1.33 जो वो गर्ल्स है, तो इसका मतलब है कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स में वुमेन जो है वो आउट परफॉर्म कर रही हैं लड़कों को। क्लियर, तो ये पूरे का पूरा डाटा टेबल जो है इसको आप लोग याद कर सकते हो। मेंस पर्सपेक्टिव के साथ साथ जो डाटा है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में भी हमारे लिए रेलेवेंट है, लेकिन उसके साथ साथ मेंस के लिए जो है वो हमें डाटा इकट्ठा करना होता है, तो आप लोग जो है वो स्पेसिफिक डाटा को पिक कर सकते हो। इसके साथ साथ हिमाचल में जैसे हम लोगों को पता है कि HPASGS 2 के अंदर साइबर क्राइम एंड ड्रग मेनेंस करके एक टॉपिक है, तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा क्या क्या कदम जो है उठाए जा रहे हैं। तो अभी IPS मोहित चावला है, उन्होंने कहा है कि हिमाचल में जो है वो साइबर कमांडो की टीम जो है उसको तैयार किया जाएगा, तो आप इसको भी एक रेफरेंस के रूप में पिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये 5G की पॉलिसी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है,
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसी एजुकेशन पॉलिसी या उसी एजुकेशन सर्वे के संदर्भ में है जो AISHE यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा 2021-22 की जो रिपोर्ट है उसको रिलीज किया गया है। तो जब हम लोग हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर कितना एनरोलमेंट रेशियो है, जो फीमेल एनरोलमेंट है वो कितनी है, GER जेंडर पैरिटी कितनी है, आर्ट्स और साइंस में क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को कितनी प्राइमेसी दी जा रही है, क्या डेमोग्राफी हम लोगों को एजुकेशनल या हायर एजुकेशन के अंदर जो देखने को मिल रही है। तो बहुत ही, मैं पर्सनली कहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा रेलेवेंट ये स्पेसिफिक डाटा है डेमोग्राफिक प्रोफाइल के साथ साथ पॉपुलेशन पॉलिसी, या क्योंकि देखिए जब भी हम पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो वहाँ पे पूरे का पूरा डाटा जो हम लोगों को मदद करता है, और उसके साथ साथ जो एजुकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक है वहाँ पे भी आप लोग जो है वो स्पेसिफिकली इस स्पेसिफिक आर्टिकल को रीड कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो है वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ट्रिब्यून के अंदर एक आर्टिकल आया हुआ है। ये अगर HPSGS 3 के साथ बात करेंगे तो जनरल कन्वेंशंस हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। जैसे अगर हम लोग कॉप की बात करेंगे तो जो रिसेंटली नवंबर दिसंबर में हुई थी वहाँ से सीधा सीधा जो वो एक आइडिया लग चुका है कि जो कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो बेसिकली ये जो पहले 2-3 पैराग्राफ अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे USA और चाइना की जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में बात की जाएगी किस तरह से, क्योंकि दो सबसे बड़े एमिटर हैं, कि किस तरह से इनकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, जो वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना चाह रही हैं। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इंडियन जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट किया गया है कि किस तरह से इंडिया जो वो डेवलपिंग कंट्रीज को लीड कर रहा है, किस तरह से हम लोग क्लीन एनर्जी के ऊपर जो वो काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखा जाए कि बाकी कंट्रीज क्या अच्छा नहीं कर रही और हम क्या अच्छा कर रहे हैं, उस परस्पेक्टिव से काफी रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके साथ साथ म्यांमार के अंदर जो सिविल वॉर स्पेसिफिक टाइम पे चल रहा है उसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो सिविल वॉर में नया फ्रंट ऊपर आया है जिसने कुछ एरियाज के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया है उसका जो थोड़ा सा चाइना को फेवर कर रहा है, तो ये पूरे का पूरा जो एस्पेक्ट है ये इंडिया के ऊपर जो फ्यूचर एक म्यांमार और इंडिया के रिलेशन है जो हमारे GS3 में लुक ईस्ट पॉलिसी और इंडिया और इट्स नेबरहुड के साथ भी रिलेट हम लोग कर सकते हैं। तो उस परस्पेक्टिव में आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप लेकर जरूर रीड करिएगा। इसके साथ साथ जो वो सैनिटेशन की अगर हम बात करेंगे तो GS2 में इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या डाटा इस स्पेसिफिक टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है क्लियर, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे बिहेवियरल चेंज हम लोगों को करना है। तो ये सैनिटेशन स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर एक आर्टिकल है, इसको आप लोग देख सकते हो द हिंदू के अंदर जो हम लोगों को देखने को मिलेगा। और लास्ट में जो वो HPSGS 3 इंडियन एक्सप्रेस के अंदर डेमोग्राफी एंड डेस्टिनी के ऊपर जो स्पेसिफिक टॉपिक आया हुआ है, जहाँ पे जिक्र किया गया है कि किस तरह से जो इंडिया की पॉपुलेशन, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो चुके हैं, तो किस तरह से हम लोगों को कैसी एक पॉलिसी जो अख्तियार करनी चाहिए जो चाइना की तरह बहुत ज़्यादा हार्श ना हो। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि चाइना ने जो वन चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था और उसका नेगेटिव इंपैक्ट स्पेसिफिक टाइम पर पड़ रहा है कि जो एल्डरी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा है, और अभी इवन चाइना ने उस पॉलिसी को रिलैक्स भी किया है लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़े ज़्यादा पॉजिटिव साइन हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इंडिया को जो राइजिंग पॉपुलेशन या हाई पॉपुलेशन है उसके दौरान क्या क्या करना चाहिए, तो इस आर्टिकल को अगर आप रीड करोगे तो वहाँ पर इस चीज़ें जो आपको के लिए रेलिवेंट रहेगी, GS3 के परस्पेक्टिव से ये स्पेसिफिक जो एडिटोरियल है वो रेलिवेंट है और इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, इनको कहाँ कहाँ आप लोगों ने यूज़ करना है, क्या पढ़ना है, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कल से हम लोग जैसे हमारे सेशन पिछले हफ्ते चल रहे थे वैसे ही शुरू करेंगे क्लियर, मैं किसी कारणवश चंडीगढ़ में नहीं था, बाहर था, तो यही कारण था कि इस तरीके से जो आप लोगों के साथ सेशन हो रहे हैं। लेकिन मेन काम ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, और अगर आप डिटेल में करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो शाम को 6:15 बजे और सैटरडे को जो है वो 12 बजे आप लोगों की क्लासेस रहती हैं प्री और मेंस की, तो आप लोग उनको और ज़्यादा डिटेल में देख सकते हो। इस सेशन का जो ऑब्जेक्टिव और औचित्य है वो बस यही है कि आप लोग स्पेसिफिकली जो नए स्टूडेंट्स हैं या इवन जो पुराने भी हैं जो सारे न्यूज़पेपर वैसे भी कोई नहीं पढ़ सकता है, तो आप लोगों को क्या क्या मदद होनी चाहिए, क्या हेल्प होनी चाहिए क्लियर, किन के ऊपर आपने फोकस करना है, किस तरह से आपने फोकस करना है। कभी कभी पूरा एडिटोरियल रहता है उसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो बस एक हाईलाइट जो है वो, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि ये हमें किस तरह से एग्जाम में मदद कर सकता है। तो इस सेशन का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो यही है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है हम लोग इसलिए नहीं लगाते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं, अगले हफ्ते कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।